ऐसा अक्सर होता आया है कि रक्षाबंधन के मौके पर इंदौर नगर निगम द्वारा महिलाओं के लिए विशेष छूट का प्रावधान रखा जाता है। इस बार स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन एक ही दिन आने पर निगम द्वारा संचालित सिटी बस में सफर करने वाली महिलाओं से टिकट की राशि नहीं ली जा रही। ये निर्णय महापौर मालिनी गौड़ ने लिया कि स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के अवसर पर सिटी बस में सफर करने वाली महिलाओं से किसी तरह का टिकट चार्ज नहीं लिया जाएगा। इस तरह की सौगात नगर निगम द्वारा दी जाती रही है। महापौर मालिनी गौड़ ने शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की बधाई देते हुए कहा कि महिलाओं के लिए सिटी बस का सफर किराया मुफ्त रखा गया। 15 अगस्त और रक्षाबंधन बहुत ही अच्छा संयोग है, दोनों एक ही दिन हमारे त्यौहार हैं। एक स्वतंत्रता दिवस है, दूसरा हमारा रक्षाबंधन भाई बहनों का त्यौहार है। पूरे शहरवासियों को मैं दोनों त्यौहार के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि सभी इन त्यौहारों को बहुत ही प्यार स्नेह से मनाएं। वहीं निगम आयुक्त आशीष सिंह ने भी स्वतंत्रता दिवस पर शहरवासियों को बधाई दी और कहा कि निगम द्वारा परंपरा अनुसार महिलाओं के लिए सिटी बस सेवा मुफ्त रखी गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई, और मैं यही अपील करूंगा कि हम लोग स्वतंत्रता के महत्व को समझें, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, अपने जो कर्तव्य हैं नागरिक के तौर पर, उनका सभी निर्वहन करें। ऐसा हमें स्वतंत्रता दिवस पर सभी को प्रण लेना चाहिए। और इस बार चूंकि स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन एक ही दिन पड़ रहे हैं, तो जो पहले से यहाँ पर परंपरा चली आ रही है कि उस दिन जो महिलाओं के लिए हमारी सिटी बसेज में फ्री में पास उपलब्ध होता है, वो फ्री में उनको यात्रा मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि जो हमारी इलेक्ट्रिक बसेज नई आने वाली हैं, जिनका कि लगभग क्लियरेंस हो गया है, ट्रायल भी लगभग पूरा हो गया, उनको भी हम लोग इसी दिन लॉन्च करें। महापौर और निगम आयुक्त ने यह घोषणा कर दी है, लेकिन सिटी बस संचालकों द्वारा पूरे दिन बसों का संचालन नहीं किया जाता। वहीं कुछ ही रूट पर बसेस चलती नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज, इंदौर।